सचिन तो फिर से सब लेके बैठ गया। कितनी बार मना किया है तुझे, पढ़ाई क्यों नहीं करता? अगर तू इतना ध्यान अपनी पढ़ाई में लगाएगा तो कुछ बन जाएगा और इस नरक से बाहर निकल जाएगा। स्कूल नहीं जाना है क्या तुम्हें? माँ, दिवाली आ रही है, स्कूल बंद है, अब छुट्टियों में कौन जाएगा स्कूल? अरे मेरा तो ध्यान ही नहीं रहा कि तुम्हारी तो स्कूल की छुट्टी है। खैर तुम्हारी तो छुट्टी है लेकिन मुझे तो मेरा घर का काम करना ही पड़ेगा। हाय ये पैर दर्द जाता ही नहीं है। माँ तेरे पाँव फिर से दर्द करने लगे ना, इसलिए कहता हूँ थोड़ा आराम कर लिया कर। ला मैं तेरा पैर दबा दूँ। मेरा राजा बेटा, चल फैक्ट्री के लिए देर हो रही है, आके बात करते। माँ अब क्या है? माँ मैं भी आऊँ तेरे साथ तेरी फैक्ट्री? नहीं नहीं वहाँ बच्चे नहीं जाते, तो मैं काम करो, घर पे रहो और थोड़ी साफ सफाई कर दो। त्योहार आ रहा है ना? माँ आकर कर लूँगा पक्का, ले चलो ना। अच्छा ठीक है, एक शर्त पर, तुम वहाँ किसी भी चीज़ को हाथ मत लगाना। ठीक है नहीं लगाऊँगा। अब चले? चलो। माँ बस एक मिनट। अब क्या है रे? माँ तो अपनी आँखें बंद कर। अच्छा सचिन बात तो बता, आखिर क्या है? माँ बस एक मिनट, माँ बस एक मिनट। माँ अब तो आके खोल। हैप्पी दिवाली। बहुत अच्छे से सजाया बेटा, तुझे भी हैप्पी दिवाली। अब चले? सचिन मैंने बोला ना तेरे को ये बहुत खतरनाक जगह है, चुपचाप बैठ के देख। अरे ये तो बहुत आसान है, मैं भी करूं? बोला ना बस चुपचाप बैठ के देख। अगर माँ हम दोनों करते तेरी छुट्टी जल्दी, और तेरी छुट्टी जल्दी हम दिले इन्हें बाजार जाएंगे फिर पटाखे। बस बस समझ गई, ध्यान से करना, बारूद आग में न जाए। जा मैनेजर साहब के पास है पटाखे वाले पेपर ले आ। पटाखे वाले पेपर अभी लाया। मेरी माँ, छोड़ो मुझे, मेरी माँ के पास जाना है। माँ 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 फायर एक्सीडेंट के 10 दिनों के बाद सचिन उसकी माँ की सेवा करते हुए। माँ उठ, माँ देख मैं तेरे लिए खाना लाया। माँ उठ माँ। माँ देखना तू जल्दी ठीक हो जाएगी। मैं तो ठीक हो जाऊंगी बेटा, पर फिर आग लगेगी, फिर कोई ना कोई जलेगा, पता नहीं इस आग से कब छुटकारा मिलेगा। अगर माँ इतने सारे फायर एक्सीडेंट होते हो तो फैक्ट्री वाले सेफ्टी के लिए कुछ करते क्यों नहीं? माँ बेटा हम लोगों पर क्यों वो इतना पैसा खर्च करेंगे, हम गरीब की ज़िंदगी की कोई कीमत नहीं है, और हम जैसे की ज़िंदगी तो दो वक्त की रोटी की भागदौड़ में ही निकल जाती है। इसलिए कहती हूँ बेटा खूब मेहनत कर, खूब पढ़ाई कर और बहुत बड़ा आदमी बन, बहुत बड़ा आदमी। अच्छा माँ अब तो आराम कर। पिघला दे जंजीरे बना उनकी, शमशीर कर हर मैदान फतेह बंदिया, कर हर
सचिन तू फिर से घर में ये सब लेके बैठ गया, कितनी बार मना किया है तुझे, पढ़ाई क्यों नहीं करता, नहीं होती क्या पढ़ाई तुमसे, मेरी तरह मजदूरी करेगा? माँ सुन तो, माँ ये कबाड़ नहीं है। ये कबाड़ ही है, क्या इसलिए मैंने तुझे इतने बड़े स्कूल में डाला है? इस लड़के ने तो मेरे नाक में दम करके रखा है, चैन से रहने ही नहीं देता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के आसमां की हद से गुजर के हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को चल रहा है तू, लोहे का चल रहा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। सर नहीं आ रहा, मर ले इधर सर। इस तरह सचिन की मेहनत रंग लाए और इस साल के यंग अचीवर्स कंपटीशन में उसका फायर सेफ्टी वाला मॉडल भेजा गया और इस साल का यंग अचीवर्स अवार्ड मिलता है कलबुर्गी के एसआरएन मेहता में पढ़ने वाले सचिन को। मेरी माँ को देना चाहता हूँ। माँ हाँ माँ, तेरी वजह से ये सब हुआ माँ, हाँ माँ। जब बच्चे दिवाली में पटाखे फोड़ते हैं तो सभी को बच्चे की मुस्कान दिखाई देती है, लेकिन उस इंसान का रोना देखने वाला कोई नहीं होता जिसने उस पटाखे को बनाते समय खुद को जला लिया। इस फायर सेफ्टी मशीन से मेरी कोशिश है उन चेहरों पर मुस्कान लाने की जिनके कारण हमारे चेहरों पर मुस्कान आती है। धन्यवाद। जो लोगों की सुनता है वो बिखर जाता है और जो अपने मन की सुनता है वो सवर जाता है। तो इसी के साथ तालियां हो जाए।